सोलन में बारिश होने से किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद हुई है। अभी तक सोलन के किसान सिंचाई के टैंक से खेतों में पानी दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पहले के मुकाबले अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन अब बारिश की वजह से उनके खेतों में नमी आ चुकी है, जिसकी वजह से फसल को ये बारिश काफी फायदेमंद साबित हो रही है। यही वजह है कि अचानक हुई बारिश से सोलन के किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि इस बार पहले के मुकाबले अच्छी फसल होगी। किसानों के अनुसार सोलन में हुई बारिश उनकी फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि काफी समय के बाद बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि खेतों में टमाटर, शिमला मिर्च, मक्की, खीरे की फसल लगी थी, जिन्हें पानी की बेहद आवश्यकता है। बारिश ना होने की वजह से खेत सूख रहे थे, जिनकी सिंचाई केवल सिंचाई के टैंकों के माध्यम से हो रही थी, जिसके चलते एक सीमित मात्रा में ही फसल को पानी मिल रहा था और किसानों की मेहनत अधिक हो रही थी। पानी की बेहद कमी थी। ये कमी अब बारिश होने के चलते पूरी हो गई है और फसल के लिए ये बारिश लाभदायक सिद्ध होगी। सोलन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर जगह काफ़ी समय से बारिश का अभाव था। बड़े लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी। आज जो बारिश हुई है, प्री मानसून की बारिश ही मान के चलो इसको, इससे खेती के लिए बहुत फायदा हुआ है। टमाटर जो है काफ़ी मुरझा चुका था, उसकी जो फसल थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। टमाटर, शिमला मिर्च तो 90% ख़राब थी, पर अब इससे संभावना है कि वो सारी ठीक हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा बीन, खीरा, जिसके लिए पानी का जल स्तर भी कम था, पानी भी नहीं था, पानी बहुत कम मिल रहा था एग्रीकल्चर के लिए, तो इससे बारिश के होने से सभी फसलों को काफ़ी लाभ हुआ है। मेन सब्जी हमारे टमाटर, शिमला मिर्च, जब कैश क्रॉप में छोटी सब्जियां से खीरा, धनिया, मूली, अब सब कुछ लगाना लोगों ने शुरू कर दिया है। सारी फसलें हैं, अरबी है, अरबी भी को भी काफ़ी हो चुकी थी। अदरक, मक्की, ये मेन फसलें हैं यहाँ की, अब ये सारी अब लहलाती नज़र आएगी। देखिए, जो ये आज बारिश हुई है, इससे तो कृषि क्षेत्र में तो सभी जगह फायदे ही होंगे। और जो पानी का जल स्तर बहुत कम हो चुका था, वो जल स्तर भी इम्प्रूवमेंट होंगे। और कृषि के लिए तो बारिश के हमेशा फायदे ही होते हैं, नुकसान कोई नहीं होते हैं, क्योंकि सोलन में बहुत दिनों से सूखा पड़ा, वो सूखाग्रस्त की परिस्थिति आ चुकी थी। ये जो आज बारिश हुई है, इससे तो फसलों को फायदे होंगे, बहुत अच्छे फायदे होंगे और फसल अच्छी होगी किसानों की। कि जो भी फसलें लगाई हुई हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर और मक्की, इन चीज़ों के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। फसल तभी ही हो पाती है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की। जो भी ये आपकी फसलें हैं, ये सभी अच्छी होएगी। जो नुकसान थोड़ा सा होना था, वो नुकसान हो चुका है।